महाराष्ट्र में स्थित मंदिर साईं बाबा जो शिरडी में बाबा जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत, लाखों की तादाद में यहाँ पे दुनिया बाबा जी के दर्शन करने आती है। ये देखिए बाबा जी की एक तस्वीर है जिसमें खड़े में से पानी जो है जल बह रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल अमृत के समान ये जल है। दूर दूर से इस मंदिर को दर्शन करने आते हैं। देखिए ये बाबा जी का स्वरूप है जहाँ पे बाबा जी को आराम करते हुए दिखाया गया है। सो यहाँ पे बहुत ही श्रद्धा से लोग जो बाबा जी की यहाँ अर्चना पूजा करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि बाबा जी नमस्कार, जय साईं राम। तो आपने पहनावा जो बाबा साईं जैसा बना रखा है, तो भक्त आप साईं के भक्त हैं, तो अभी परिवार छोड़ दिया है या कैसे परिवार के साथ रहते हैं? छोड़ दिया, तो बाल बच्चे अभी बच्चे थे या सब छोड़ दिया? अब यही साईं के दरबार में ही रहते हो? मैंने कितने टाइम से 10 साल हो गए। कितना आनंद से भरा हुआ है साईं बाबा के प्रति, साईं बाबा के लिए क्या कहना चाहोगे, दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं कि साईं बाबा की भक्ति कैसे करनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, यानी कुछ तो ऐसा है कि भाई भाई ऐसे कीजिए, कोई पद्धति होगी कोई साईं बाबा की भक्ति करने की? बस कोई पद्धति, जय साईं राम बोलो साईं राम। ये आप साईं बाबा के धाम पे आए हैं, तो जो साईं बाबा की जो सवारी लेके आए, कहाँ से आए? गुजरात से। तो पैदल क्यों गए हो? पैदल। कितने दिन लगे आपको? 6 दिन। 6 दिन? 6 दिन। तो रास्ते में फिर आराम कहीं करते हैं? हाँ, आराम करते हैं। 35-40-35 किलोमीटर चल के आराम करते हैं। अच्छा, मंदिर हो, स्कूल हो, सब जगह मिल जाती है, वहाँ आराम करते हैं, खाते हैं बाद में सुबह में। तो रास्ते में जैसे थक जाते होंगे, फिर वो कहते हैं थक जाते हैं, आराम करते हैं, आधा घंटा एक घंटा आराम करते हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आते आते? नहीं, हमारा 7वां साल है। अच्छा, ये 7वां साल है। अच्छा, तो क्या मंशा लेके आप आते हो? किसी से बस हर साल पूरा सही निकलना चाहिए, बाबा जी की कृपा से। ऐसा है कि जो भी आप मन्नत मानते हो है ना, बाबा जी पूरी कर देते हैं, है ना? तो हम भी पंजाब से चल के आए तो देखने के क्या है, जो ये आपकी बात है पूरे वर्ल्ड में जाएगी तो लोग देखेंगे, तो उनके लिए उनके भी जागृति पैदा होगी। जैसी अपनी श्रद्धा होती है, श्रद्धा रखते हैं, वो बाबा पूरी करते हैं, वो अनुभव हुआ है। मंत्रों के दावे के साथ कह सकते हैं? दावे के साथ कह सकते हैं, अनुभव हुआ है। तो जैसे साईं बाबा का एक जयकारा बुलाते हैं, बुला दीजिए। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा के जय। साईं बाबा के जय। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम तेजस रामेश्वर रामले। तो तेजस, आप कहाँ से आए हो? हम आए हैं चिखली बुलडाना के पास से। ये कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? यहाँ से कम 350 किलोमीटर होगा, 350। ओके, तो ट्रेन से आए कि बस से? हम बस से आए। अच्छा, आपके साथ और कौन? आपकी मम्मी को और कौन भी है? मेरी माता जी आई है। माता जी, क्या नाम है आपका? संचिता। अच्छा, तो आपको आपके बेटे ने बोला कि वहाँ जाना है कि आप खुद से आए? हम खुद से आए। अच्छा, खुद से आए। कुछ मन में कोई मंशा लेके आए कि बाबा जी पूरी करेंगे? हम हॉस्पिटल भी आए और बाबा जी का दर्शन भी लेने आए। अच्छा, बाबा जी का दर्शन लेने आए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि कोई किसी तरह को कोई बीमारी हो ठीक हो जाता है? हाँ, ठीक हो। तो यहाँ पे फ्री इलाज होता है? फ्री इलाज होता है, कुछ पैसे भी लगते हैं। तो लंगर पानी का सारा सुविधा अच्छा है? तो ठीक है, धन्यवाद। कोई लेकिन से गल नहीं। हां जी पाजी, की हाल चाल है? एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। कितों आए? असी कल्याण तो। कल्याण तो मुंबई तो? हां जी। ठीक है ठीक है। ते बाई ट्रेन आए के बाई बस? ट्रेन आए, बाई बस भी आए। अच्छा, हां जी, दोनों हो गए। तो मतलब के की मन दे विच मंशा लेके आए? ब्याह लगदा ताजा ताजा करा? नहीं नहीं, 10 साल हो गए ने। 10 साल हो गए। तो अभी बच्चे किने हैं? मेरे दो बच्चे। मतलब पूरी तरह संतुष्ट है? हां हां जी, एकदम एकदम बढ़िया। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆ ਕੇ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ, 2-4 ਵਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ। ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਆਪ? ਉਲਾਸਨਗਰ। ਉਲਾਸਨਗਰ ਸੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਲਾਸਨਗਰ 1 2 3
तीन उल्लासनगर है कि ज्यादा है? ज्यादा है, पांच है। पांच है? अच्छा, तो कौन से उल्लासनगर से आए हैं आप? तीन। तीन नंबर से आए हैं ना, तो बढ़िया है। तो पहले भी कभी आते हैं कि फर्स्ट टाइम आए हैं? पहले भी आते हैं। कितने टाइम से? पहले भी चार पांच बार। तो बोलते हैं कि बाबा जी जो यहाँ आके मन्नत मानता सब पूरी होती है, आपकी पूरी होगी? ठीक है। हरी बाबा की जय, हरी बाबा की जय, बाबा बाबा की जय, शिरडी के राजा की जय, हरी बाबा की जय। जय बाबा। मुंबई में कहाँ से? डोंबिवली से। तो आप जब आप पहली बार आए यहाँ पे तो क्या सोच के आए? मतलब कि आपका जो इच्छा है वो पूरी हो रहा है? तो कितने साल के बाद ऐसे इच्छा आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है, उनका। कोई बात नहीं, अकेले के लोग साईं बाबा ऐसे करें आप ये बोलने लग जाए, है ना? तो वही हम चाहते हैं। तो जब आप इतनी श्रद्धा से आए तो आपकी इच्छा जरूर पूरी साईं बाबा करें। जी जी, जरूर जरूर। हम श्रद्धा से आते हैं, बाकी साईं बाबा का आशीर्वाद है, हम तो हमेशा आते रहते, मैं तो बचपन से आ रही हूँ। हाँ, एक श्रद्धा है ना, श्रद्धे से आते हैं। और ये कैसा है, हम नहीं आते, वो बुलाते हैं। जब तक बुलावा नहीं आएगा हम आ ही नहीं सकते। ऐसे कितने जन हैं, मैंने देखा है, मेरे सहेलियों को बोला है, अरे हम, मैं इतने साल से प्रयत्न करूँ जाने का लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। क्यों ना जा पा रही? क्योंकि जब साईं बाबा बुलाते हैं तभी हम आ पाते हैं। ऐसे हम साई राम जी, ये आप जैसे होटल भी चला रहे हैं तो साईं जी की मूर्ति बहुत ही बढ़िया आपने यहाँ रखी हुई है, तो कुछ साईं बाबा के बारे में कुछ बताइए, जो ये बात जो है आपकी पूरे वर्ल्ड में जाएगी। देखिए, बाबा के बारे में जितना बोलो उतना कम है, ठीक है? कि बोलने के लिए शब्द इतने हैं बाबा के बारे में, क्यों बाबा का नाम एक बार भी जपने से लाखों बार जपना चाहिए। बाबा इधर मैंने उनको विराजमान किया हुआ है, तो इसके पीछे कारण है, आपको करोड़ों आदमी लोग बाबा का दर्शन भी चाहते हैं, दर्शन होता है, कितने लोगों को इन्होंने देखा है, इसके पीछे भी होता है। तो इधर बाबा को आराम कर रहे हैं, आराम करो बाबा, आप दुनिया को देखते हैं तो दुनिया को देख के यहाँ आराम भी करो, इसके लिए यहाँ हजारों आदमी की मनोकामना भी पूरी होती है, सब होता है यहाँ पर। बाबा जो है यहाँ अन्नदान देते हुए हैं, बाबा आराम करते हुए यहाँ दोपहर को हर रोज 12 बजे खाना चलता है, लंगर चलती है, बाबा का जो भी आता है गरीब हो या जो लंगर है फ्री ऑफ कॉस्ट, या कोई भक्त आता है उसके बोलता है मेरा जन्मदिन है इसके तरफ से करना है, उसके तरफ से करते, अगर कोई नहीं रहा तो अपने तरफ से करना है। कोई भी आदमी शिरडी में भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भी आए, पैसा हो या ना हो, भूखा नहीं रहना चाहिए, मेरा एक ही। कितने टाइम आप प्रॉपर यहाँ के ही रहने वाले हो या पीछे कहीं से आप आके शिरडी को? मैं पूर्वज सब केरला से थे। अच्छा। और हमें शिरडी में आके मेरे मतलब मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरी परदादी, इन लोगों को आके 80 साल हो गए शिरडी, और सबसे बड़ी बाबा की कृपा है हमारे बाबा के को मंगल स्नान होते हैं। अच्छा। उसके लिए सबसे पहला पानी ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी उसका आशीर्वाद है बस, और कुछ नहीं। और दुनिया भर को यहाँ से फिर हम लोग बांटते हैं, जो भी आता है कि US जाता है, UK जाता है, हर एक दुनिया में यहाँ से फिर नहीं हो सके आने में तो हम किसी भी हालत में उसे पहुँचाते हैं। तो जो घर घर से पानी जाता है उसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे वो क्या सिस्टम क्या है? ये जो 80 साल पहले जहाँ गर्म पानी का सुविधा बहुत कम था, हर चीज़ में प्रॉब्लम होता था, गर्म पानी बनाने में प्रॉब्लम होता था, तो मंदिर वाले लोग ने, तभी हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, ओके, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द मंदिर, ठीक है। और मेरे दादाजी जो थे वो स्वामी जी के नाम से फेमस थे। अच्छा। तो उनको एक ही चीज़ बोला था कि बाबा के मंदिर में पानी का गर्म पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके होटल से गर्म पानी, ठीक है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, 10 दिन हो गया, पानी का कुछ प्रॉब्लम है,
मेरे दादी ने बोला हर रोज का क्या गर्म पानी। और उसी दिन रात में सपने में मेरे दादी के जाके बाबा ने कहा अच्छा कि चल अम्मा मैं भी तेरा एक बेटा हूँ, मुझे भी ठंड लगती है। उस दिन से मेरे दादी ने जो गर्म पानी चालू किया आज मेरी तीसरी पीढ़ी जो बाबा को गर्म पानी, यही आशीर्वाद है बाबा। और हमेशा हर एक आदमी को चमत्कार जो होता है होता ही होता ही। तो आपके साथ साथ हम भी धन्य हो गए। तो GST प्लस ये चैनल है तो पूरी वर्ल्ड वाइड आपकी बात जाएगी, लोगों के मन में भी श्रद्धा जाएगी और श्रीडी बोलो। हम तो कहते हैं हर साई भक्त आए बाबा का दर्शन करें और जिसको जल चाहिए तो कृपया करके हमारे पास आएंगे, उनको जल दीजिए। तो आपके कहने का मतलब है जल से जो हर रोग निकल जाए, कैंसर जैसी बीमारी भी निकल जाए, ये बाबा का आशीर्वाद है। मगर श्रद्धा से कर, श्रद्धा से कर। वो तो आप कहीं भी चले जाओ अगर श्रद्धा होगी तो ही ये बोलता है, श्रद्धा हो तो सब कुछ होता है। श्रद्धा नहीं आप नाम के लिए पी रहे हो तो उसका काम बिल्कुल, ये बाबा की आशीर्वाद। तो धन्यवाद श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। नमस्कार दीदी, कहाँ से आए? उड़ीसा से। तो हर साल आते हैं आप उड़ीसा से? 2 साल से आए हैं कि हमारे ग्रुप 10 साल से आ रहे हैं। अच्छा, ये जो बाबा जी का है लेके आए, छत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको पालकी बोलते हैं। पालकी बोलते हैं बाबा जी की। तो अभी आपको एंट्री डायरेक्ट मिल जाएगी कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा? डायरेक्ट मिल जाएगी। जब अगर लाइन में लग जाए तो कितना टाइम लगता है मत्था टेकने में? 2-3 घंटा लग जाता है। तो जब बाबा जी का पर्व रहता है तो कितनी ईजी यहाँ की शुद्ध में आती है? कितना लोग आते हैं? लाखों की तरह एक आप बाबा।